माता जी ने असी गलबात कर रहे थे, उन्होंने दसिया, उन्हों का कहना है कि मैं अपने दिल की कड़ी गल दसा कि पोटा पोटा दुखी वैर ने, इन्ना को दुख इन्ना को तकलीफ और 30 साल कि कुछ हंडाया है, दसना शब्दों में बयान करना बहुत औखा है। तो वो यही गल कह रहे हैं कि जो सतगुरु की रजा है उस मालिक के भाणे में मैनू रहन दौ, मैं बहुता कुछ नहीं दस सकती, जो सतगुरु का भाणा है। तो माता जी ने असी बेनती करांगे कि एक दो गल्लां जरूर साढ़े नाल सांझी करन, घट तो घट कौम दे अखौती ठेकेदार जो बने हुए ने, कौम दे अखौती प्रधान जां अपने आप नूं कौम दे बाली वारस समझदे ने, घट तो घट कौम दी जवानी नूं, कौम दे भविख नूं, आने वाली न्यू जनरेशन नूं इह तां पता चले कि उह उहनां दे रहबर कौन ने, उहनां दे आगू कौन ने। ते कई लोग तो इन्हां रहबरां तों परेशान होकर इत्थों तक लिख चुके ने, माणा है मंजिल को तो तनहा चले चलो, राहों में लूट लेते हैं रहबर कभी कभी। तो यहो जे रहबरां प्रति असी माता जी नूं जरूर बेनती करांगे, क्योंकि असी आप अपने हक्कां नाल इन्हां परिवारां दे उस दुख दी घड़ियां नूं देखिया है, हंडाया है। तो उन्हां दुख तकलीफां दे दौरान घर तां कोई नहीं बड़िया, पर आम स्टेजां तों बहुत वड्डे वड्डे तकरीरां करन वाले, तकवीर के नारों से लंडन हिला देंगे दीयां गल्लां करन वाले लोकां प्रति जरूर बेनती करांगे कि पंथ नूं पता चले। माता जी मैं बेनती करांगा कि जदों साढ़े सत्कारयोग पिता जी मास्टर जी दे सरदार बलवंत सिंह जी चढ़ाई कर गए, उस तों बाद कोई भी पंथ का आगू तुहाडे घर अफसोस करन आया, 30 सालां दी गल ते छोड़ ही देईए, हुण जदों उह चढ़ाई कर गए, उस तों बाद कोई जम्मू कश्मीर का आगू, कोई पंथक जथेबंदी, फैडरेशन, टकसाल, अकाली, कोई बड़ा योद्धा, कोई आया हुए किसी ने अफसोस नहीं किया, किसी कोई आए है न पुछे माता जी बड़ा ही अफसोस है, मैं जी सत बचन अफसोस से सत बचन शुक्र है अफसोस करना आयो। सो अज असी माता जी नूं दासपुर लिखी गई किताब सफरे शहादत भेट की है, होर परिवारों नूं मिलन दा जो प्रोग्राम बनाया सी, कई नौजवानों वालों वीर वालों बेनती की गई सी कि उन्हां परिवारों के असी दर्शन करना चाहते हाँ, वेखना चाहते हाँ, सुहाबन ही हैगा, कोई उत्साह भी नहीं, तो अवेसलापन है अपने कौम के महान विरसे तो कौम अपने विरसे तो जाणू हो सके। भाई तारू सिंह, मनी सिंह, बाबा दीप सिंह आते होर योधे, बाबा बंदा सिंह बहादुर, नवाब कपूर सिंह आदि योध्या के वर्तमान वारसा तो आते माता गुजरी, माता साहेब कौर, माता भाग कौर, माता साहेब कौर आते होर माई भाग कौर वर्गिया उन्हां बजुर्ग मातावां की अजोकी वारस मावां तो वर्तमान कौम की जवानी वाकफ हो सके। सो वीर वालों बेनती की गई सी कि कुछ क्लिप यहोजे तैयार किए जा कि उन्हां परिवारां दे असी रूबरू उन्हां दे दीदार कर सकीए, उन्हां दे विचारां तों कौम नूं वाकफ करवा सकीए। सो उपराला करन लई संगतां कोल, संगतां दे सहयोग नाल कुछ वीर साथियां ने आपस नौजवानां मिल के उपराला किया है, जम्मू कश्मीर तों दशमेश यूथ ऑर्गनाइजेशन वालों उपराला किया गया है। असी इस घड़ी विच इहो जिहे हालातों विच अजोके एक पंजाबी सिंगर बब्बू मान वालों एक नवी कैसेट जिदे विच उसने समुचे कौम दे दुखांत नूं पेश किया है उस दी गल करन जा रहे हाँ, जिस विच उसने बड़े ही कमाल दी गल लिखी है ते नौजवानां नूं हलूना दिता है। जिहड़ा कौम लई मरदा है उहनूं किथे याद कोई करदा है, जिहड़ा पावर विच हुंदा है हर कोई उहदा ही पाणी भरदा है। सो इह हालत अज बिल्कुल हूबहू अजोके परिवारां ते टुकदी है कि जड़े कौम दे हीरे सी दसो क्यों सूली ते टंगे, जड़े कौम दे कातल सन अज लहराउंदे फिरदे झंडे, कौम दे कातल कौम नाल गद्दारियां करन वाले लोग अज कौम दी रहबरी कर रहे ने, झंडे चला रहे ने, पर कौम लई कुर्बानियां करन वाले परिवार अज इस उम्मीद विच बैठे ने कि सतगुर सानू अपने भाणे अंदर रखे, सतगुर सानू रज़ा अंदर चलन दी समर्था बख्शे। तो पुरानियां बुढ़िया मावां दी तरह अजोकियां मावां भी अरदास कर रही ने कि सतगुर चार पैर तेरे भाणे अंदर बतीत हुई है,
चार पैर रात आई है तेरे भाने अंदर बीते हुए। सो आप समुचे परिवार का असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बेनती करते हाँ कि वो साड़ी फतेह प्रवान करन ते फतेह का जवाब फतेह विजय। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।